नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण आयनिक्स लाइव और आज हम राजनीति अभियान के तहत बिग्रहपुर पटना में यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ जो है तमाम वोटर्स भी मौजूद हैं जिनके अपने अपने मुद्दे हैं, तो हम लोग उनसे बात करेंगे कि आखिर वो शिक्षा, रोज़गार या फिर विकास या उनके और कुछ मुद्दे हैं उस पर उनका क्या कहना है, किस तरह का वो देश और प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं। तो चलिए आइए इन लोगों से बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बताएँ। राजकुमार सिंह जी। अच्छा, ये बताएं कि आप पार्टी को लेकर वोट करते हैं या कैंडिडेट को लेकर, मतलब किस आधार पे वोट करते हैं? समस्या जो प्रेजेंट समस्या रहता है उसी के ऊपर करते हैं। अच्छा, जैसे अभी शिक्षा है, शिक्षा हो गया, विकास हो गया, इसके ऊपर जो पार्टी ज़्यादा ध्यान दे रही है उसी के ऊपर वोटिंग करते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? विकास सबसे मुख्य मुद्दा है अभी। हाँ। जितना विकास होगा उतना डेवलप होगा हर जगह, हर रूट व्यवस्था में, इसलिए विकास मेन मुद्दा है। जो विकास करेंगे वो आगे आएंगे। कई बार यह देखा गया है कि लोग वोट कर देते हैं कैंडिडेट को बेहतर समझकर, लेकिन फिर वो वोटर से बात नहीं करते, इलाके में नहीं आते। तो आप कैसा नेतृत्व चाहते हैं? जो ही हम लोगों का सुने, कोई भी नेता हो जो हम लोगों का सुने, हम लोगों की समस्या को समाधान करें, समस्या का वैसे कैंडिडेट को हम लोग आगे लाना चाहेंगे। मेरा नाम गौरव राय हुआ और मैं दो चीज़ देख के पक्ष रखना चाहूँगा। एक तो सर्वसुलभ हो, हमारे राजनेता सर्वसुलभ होने चाहिए। दूसरा चीज़ कि वो अपने स्तर से क्राइम को बढ़ावा न दें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है आज के डेट में क्राइम, और अगर नेता का सपोर्ट मिल जाता है तो आपका पूरा क्षेत्र बर्बाद हो जाता है। तो क्राइम को हम मतलब प्रायोरिटी बेसिस में फर्स्ट देंगे कि वो क्रिमिनल मेंटलिटी का नहीं रहे और ऐसे लोगों से लोगों को सावधान रहना चाहिए। दूसरा चीज़ है सड़क। हम आम आदमी हैं, हम लोग के लिए सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है सड़क, बिजली, पानी, और ये तीनों चीज़ सबसे प्रायोरिटी में रहना चाहिए। और विकास है, ठीक है मुद्दा, विकास की भी अलग अलग परिभाषा होती है, अलग अलग क्षेत्रों में होती है, लेकिन मेरा मेन मुद्दा यही है कि हमारा जो प्रतिनिधि रहे वो क्रिमिनल मेंटलिटी का ना हो और क्रिमिनल बैकग्राउंड का ना हो, ना किसी क्रिमिनल को सपोर्ट करे। मेरा बिरंज देवी नाम है जी। और मेरा तो है कि जिस तरह नेता लोग जीते जाते हैं फिर मतलब कि देखने तक भी नहीं आते हैं, हमको अब तो अति समझ में नहीं। नेतृत्व चाहिए ऐसा नहीं। हाँ, जवाबदेही से करे काम। हाँ, विकास करे, शिक्षा के आगे से ले जाए, विकास करें। मेरा नाम रवि कुमार है जी। और हम देखिए, जितने भी नेता लोग आए हैं उस समय जितने भी थे सब पुरुष थे, लेकिन इस बार हम किसी महिला को देखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम एग्ज़ाम दिलाने के अपनी सिस्टर को ले गए थे तो अभी भी कुछ नहीं बदला, सारे लोग उसी तरह से कोई भी लड़की का अति रिस्पेक्ट नहीं करता। तो हम चाहते हैं इस पर अलग से ध्यान दिया जाए और कोई जो नारी पर अबड़ी आ जाए कोई, क्योंकि जेंट्स बहुत आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या उम्मीदवारी के रूप में, उम्मीदवार के रूप में भी युवाओं को सामने आना चाहिए? हाँ, उनको भी आना चाहिए। हाँ। ताकि अपना अपना जो न्यू जनरेशन आ रहा है अपना न्यू जनरेशन के अनुसार अपना विचार के अनुसार अपना विकास करें। बेरोजगारी अभी के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, अभी बेरोजगारी नए जवान लोग आएंगे तो अपने विचार के अनुसार बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए। अच्छा बताया विकी कि युवा आएंगे तो युवा की सुनेंगे है ना, और वो विकास की जो है रफ्तार बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपना नाम बताएं। उमेश प्रसाद। हाँ उमेश सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि आज के टाइम में जिस तरह से जो चीज़ें बदलाव आ रही हैं तो उसमें विकास सबसे बड़ा मुद्दा है या आपके सामने कुछ और मुद्दे हैं? विकास सबसे बड़ा मुद्दा मेरे सामने सर, विकास होना चाहिए। जो विकास माने कि जो करेंगे उन्हीं को वोट दिया जाएगा। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और मैं बिहार में कोई भी पार्टी आए लेकिन विकास जो करेगी उस पर हम लोग ज़्यादा अति सपोर्ट करेंगे। और एजुकेशन के मामले में तो बहुत ज़्यादा ही, और मैंने हम लोग चाहेंगे कि और ज़्यादा बिहार का एजुकेशन काफ़ी आगे जाए, ताकि हम लोग दिल्ली, पंजाब जो भी जाते हैं, राजस्थान,
वहाँ ना जाके हम लोग अपने खुद बिहार में रहें। कौशल विकास की बड़ी बात हो रही है, तो ये हमें बताएं कि स्किल डेवलपमेंट के लिए अभी जितने काम हो रहे हैं वो पर्याप्त हैं या कुछ और होना चाहिए, जैसे पॉलिटेक्निक है और भी तमाम चीज़ें? पर्याप्त तो अभी पर्याप्त तो हो रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो एजुकेशन मामले हो तो नए नए वैकेंसियाँ निकाले, हम लोग खुद रोजगार, अब हम लोग का बी टेक करना हो तो क्या अपना देश छोड़ कर दूसरा देश जाना पड़ रहा है, अपना राज्य छोड़ कर दूसरा राज्य जाना पड़ रहा है, तो हम लोग चाहेंगे जो शिक्षित आए, जो एजुकेशन हम लोग का सिस्टम हो वो बढ़ोतरी हो कम से कम। तो ये आप देख रहे थे कि यहाँ पे सबने अपने अपने मुद्दे रखे, सबके अपने अपने बातें हैं, विकास एक मुद्दा है, शिक्षा भी एक मुद्दा है, और जो सबसे बड़ी बात अभी गौरव जी ने अभी शामिल जो लोग हैं उनमें कही कि अगर पूरा जो है क्राइम फ्री जोन अगर सब जगह नहीं रहेगा तो हम लोग विकास को जो है परिभाषित नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा, सभी लोग मुखर रहे और अपनी अपनी बातें रखे। मैं शंभुकांत सिन्हा अपने कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ